नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की बाढ़ की स्थिति के संबंध में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन पर जानकारी दी। मूसलाधार बारिश होने की वजह से होशंगाबाद सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए शनिवार को सेना और एनडीआरएफ को उतारा गया। होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर और अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति के बीच 411 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में सेना की मदद ली जा रही है और अब तक लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सीहोर में भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए जिले में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार की सुबह भी सेना के जवानों ने 25 लोगों का रेस्क्यू किया। ये सभी लोग नर्मदा किनारे गांव सोमलवाड़ा में फंसे हुए थे। इसके अलावा छिंदवाड़ा जिले में भी 5 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। रेस्क्यू कार्य करने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर बुलाए गए थे, लेकिन खराब मौसम के कारण नहीं पहुँच पाए। बाद में मौसम ठीक होते ही हेलीकॉप्टर की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में भी बारिश से हालात खराब है। बड़ा तालाब का जल स्तर बढ़ गया है। राजधानी के सबसे बड़े चिरायू अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के 9 जिलों के 394 से ज्यादा गांवों में भीषण बाढ़ आ गई है। बाढ़ में फंसे 8,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ राहत के लिए बड़ी संख्या में राहत शिविर बना दिए गए हैं, जहां पर लोगों के रुकने, उनके भोजन, दवाओं आदि सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि प्रदेश के 3 जिले होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन में कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। वहां फंसे ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बाकी बचे लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें देर रात भी होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, बालाघाट और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में लगे रहे। नर्मदा और अन्य नदियां लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कम से कम 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक ली थी, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित सीहोर और होशंगाबाद इलाके का हवाई दौरा किया। उन्होंने अफसरों को हर पल अलर्ट रहने के लिए कहा है। सीएम हाउस में भी कंट्रोल रूम बना दिया गया है। यहां से पूरे प्रदेश के हालात की पल पल की जानकारी रखी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।